मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारत की परंपरा में अगर हम देखें, भारतीय पंचांग में अगर हम देखें, तो हर महीना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। एक महीना है सावन का, बहुत ही पवित्र है, और दूसरा महीना है कार्तिक का, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक के महीने की शुरुआत हो रही है और कार्तिक से जुड़ी हुई तमाम बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आज बात करेंगे कार्तिक के महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये चातुर्मास का अंतिम महीना है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और चौथा और अंतिम चातुर्मास का महीना कार्तिक। इसी महीने से देव तत्व मजबूत होता है। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी विवाह करना या करवाना सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीप दान करना यानी दीपक जलाने से और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इस बार कार्तिक का महीना 14 अक्टूबर से 12 नवंबर तक रहेगा। अब ये जानते हैं कि कार्तिक के महीने में खाने पीने का और जीवनचर्या का, दिनचर्या का क्या महत्व है और इसके क्या नियम हैं। देखिए, इस महीने से जो स्निग्ध चीज़ें होती हैं, हल्की तेल वाली चीज़ें हैं और मेवे, ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीज़ों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक जिससे एनर्जी मिलती रहे, ऐसी चीज़ों को इस महीने में खाना चाहिए। इस महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। किसी भी तरीके की दाल कार्तिक के महीने में नहीं खानी चाहिए। सूर्य की किरणों का स्नान यानी सूर्य की किरणों में बैठना भी इस महीने से उत्तम माना जाता है, और इस महीने में दोपहर में सोने की मनाही भी की गई है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने का धन से क्या संबंध है। देखिए, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है। इसी महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं, इसीलिए ये महीना माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और सृष्टि में आनंद की, कृपा की बारिश होती है, चारों तरफ आनंद छा जाता है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन का वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसी महीने धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। इस महीने विशेष पूजा करके और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज और घाटे से मुक्त हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, कैसे अपार धन का वरदान मिलेगा। देखिए, वैसे तो कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है, फिर भी कार्तिक के महीने में हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय करने चाहिए। कार्तिक महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके इनकी उपासना करें और एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कार्तिक में हर रोज शाम के समय या रात के समय एक माला जप करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि कार्तिक महीने में सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और सुख शांति के लिए क्या करें। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए
कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा सबसे ज्यादा उत्तम होती है। तुलसी का पौधा लगाने के लिए और तुलसी की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा महीना कार्तिक का ही होता है। कार्तिक महीने में किसी भी दिन बेहतर होगा, शुरुआत में ही तुलसी का एक पौधा ले आएं और घर में लगाएं। अब रोज शाम को इस पौधे के नीचे मिट्टी के दीपक में घी भर करके या तो घी का दीपक जलाएं या तो तिल के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद सुखद पारिवारिक जीवन की और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें, आपको लाभ।